हजका नेता और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने सीएम पद को लेकर दिए अपने बयान से सियासी हलचल तेज कर दी है। रेणुका बिश्नोई की माने तो अगर प्रदेश में बीजेपी हजका गठबंधन की सरकार बनती है तो पहले कुलदीप बिश्नोई और फिर कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस लिहाज से कहीं ना कहीं रेणुका ने रामविलास शर्मा की दावेदारी को नजरअंदाज कर दिया है। रेणुका ने इसके साथ ही इनेलो और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रेणुका ने कहा कि इनेलो और कांग्रेस को वोट देने वाले हिसार के दुश्मन होंगे, साथ ही उन्होंने हिसार के चुनाव को आन बान शान और चौधर का चुनाव बताया। हरियाणा में जब हजका भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आपके अपने होंगे, पहले कुलदीप जी होंगे, फिर भाई अभिमन्यु जी होंगे, तो आपके बराबर की हिस्सेदारी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे होगी। आपको भीख मांग के अपने काम नहीं कराने पड़ेंगे, आप हर हक से अपने काम करवा सकते हो। और मैं समझती हूँ आप कितने खुश नसीब है कि कितने अरसों बाद आपके इलाके में दो दो मुख्यमंत्री आपके अगले बनने जा रहे हैं। शायद ही किसी इलाके को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री आपका अपना, क्योंकि यदि आप कांग्रेस से इनेलो को वोट देते हो तो आप हिसार जिले के दुश्मन हो।